आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम ITI का ऑनलाइन फॉर्म ई मित्रा से कैसे भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई मित्रा के अंदर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर सर्च करना है ITI, यहाँ पे DTE सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ITI एडमिशन का एक ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते थर्ड पार्टी पोर्टल पर ये रीडायरेक्ट करेगा। हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों ओके के ऊपर क्लिक करते तो कुछ इस तरह का आइकन आपके सामने नज़र आता है। हम सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद में आपको फिल न्यू फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है निवासी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, क्या आपने 8वीं और 10वीं राजस्थान से पास की है, क्या आप राजस्थान के निवासी है। इनमें से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे जन आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कन्फर्म करना, आर यू श्योर यू वेंट टू सेव दिस, तो हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सदस्य होंगे हमारे जन आधार कार्ड के साथ वो शो कर लेंगे। जिसका हम ITI का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। आगे यहाँ पे चेक मार्क पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP चली जाएगी जन आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। OTP को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करते तो फिर से कन्फर्म वाला आइकन आ जाता है। क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो हम कन्फर्म के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। दोस्तों कन्फर्म को जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाता है। इसके अंदर यहाँ पर आवेदक का नाम है, ये सारा जन आधार कार्ड से वो डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको माता का नाम डालना है, पिता का नाम भी जन आधार कार्ड से डिटेक्ट करता है, माता का नाम भी जन आधार कार्ड से डिटेक्ट करता है। एप्लीकेंट का नाम लॉक रहेगा, माता का नाम आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं, और पिता का भी अपडेट किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपकी लॉक रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस ज़रूरी है और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है। आपको बता दूँ जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाले वो हमेशा कस्टमर के ही डाले, स्टूडेंट के ही डाले। ई मित्र क्रियोसक स्वयं के मोबाइल नंबर कभी भी मन डाले, न ही ईमेल आईडी स्वयं की डाले। आपका ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे उसके बाद में आपको श्रेणी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप जो है व्यवसाय की किस व्यवसाय के अंदर योग्यता रखते हैं, मतलब ट्रेड क्वालिफिकेशन सिलेक्शन किसके अंदर, जैसे एट्थ बेस लेना चाहते हैं, यहाँ पे टेंथ बेस आप जो है आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर कन्फर्म का आपके सामने आ जाएगा आइकन। इसके बाद में हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेंगे। कन्फर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको योग्यता फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता फिल करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू फिल मार्क्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते तो फिर से कन्फर्म वाला आइकन आ जाता है, क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो 8th की और 10th की यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। डिटेल्स बहुत आसान है, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का नाम हो गया, पासिंग ईयर डाल दिया, उसके बाद रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद में ग्रेडिंग होगी 8th के अंदर, तो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग वाला सिस्टम यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे ग्रेड कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे 10 जैसे मार्क्स डाल दिया, मतलब ग्रेड के अंदर कितने 10 मार्क्स, उस हिसाब से कितना ऑप्ट हुआ है उसको, जैसे 7.5 डाल दिया, कितने परसेंटेज बन रहे, परसेंटेज पीछे आ जाएंगे। तो सेम 10th के अंदर भी यही करना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम कन्फर्म वाला आइकन फिर से आ जाता है, हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या आप सेव करना चाहते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे आपकी व्यक्तिगत डिटेल्स है, फिर से आपको एक बार देख लेनी है, तो आपको प्रीव्यू फिर से आ जाएगा। ये सीधी सारी डिटेल आपको एक बार देख लेनी है। इसके अंदर आपको बता दूँ यहाँ पे आवेदक का हिंदी के अंदर नाम आएगा और बाकी का भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने शो करेगी। तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं श्रेणी, आप जो है श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिए, ए और बी वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों वैवाहिक स्थिति है, ये सारी धर्म है, ये सेलेक्ट करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म मैसेज फिर से आ जाएगा कि आप सेव करना चाहते हैं, तो हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कन्फर्म ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, पहली लाइन यहाँ पर फिल कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर जो है एड्रेस इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते डिस्ट्रिक्ट हो गया, बाद में तहसील हो गई, यहाँ पे जो राज्य है वो सिलेक्ट ही रहेगा। इसके बाद में फिर से वो गांव, यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है, फिर आपको
सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अंदर जो आपका है फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो की जो साइज़ है 20 से 50 के भी रहने वाली है, सिग्नेचर की भी सेम रहने वाली है, इनको अपलोड कर लेना है। इसके बाद में सेल्फ सिग्नेचर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देख 100 से 150 के भी इसकी साइज़ होने वाली है। जो यहाँ पे फॉर्मेट रहने वाला है बहुत सारे, यहाँ पे PDF, JPEG, PNG, यहाँ पे GIF, बहुत सारी फाइलें टाइप दे रखे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं हम फोटो चूज़ करेंगे, चूज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अपना फोटो है यहाँ पे शो हो जाएगा, सिग्नेचर भी सेम इस तरीके से शो हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो फोटो हो चुका है, सिग्नेचर बाद में कर लूँगा मैं। यहाँ पे आपको OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले OBC सर्टिफिकेट, मतलब आप वहाँ पे SC सेलेक्ट करेंगे या जो भी वहाँ पे आप कास्ट सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करना है। उसके बाद में 8th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट। इसके बाद में आपको अपलोड करना है अपना मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन रहने वाला है। अपलोड करने के बाद में आपको डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके देख लेना है जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही किया तो आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है अब विकल्प सेलेक्ट करना है, मतलब कॉलेज को फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 8th बेस हम फिल करें ट्रेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो हम यहाँ पे ITI का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, फिर जिला सेलेक्ट करेंगे और ITI का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड आ जाएगी। यहाँ पे एक ट्रेड आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मान लो वायरमैन होगी, यहाँ पे एक्सेट्रा जो भी ट्रेड आ सकती है उस ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऐड चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी चॉइस यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं 10th वाला करना है तो 10th वाला भी सेम इस तरीके से, जैसे आपको यहाँ पे व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हमने सेव कर रखा है तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। हम यहाँ पे एक ही फिल कर रहे हैं, आप बहुत सारी कॉलेजों को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है। एक बार प्रीव्यू फॉर्म की समीक्षा आप कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको फाइनल लॉक करना है, पहले घोषणा करनी है। उसके बाद में यहाँ पे है आपको फाइनल लॉक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में लॉक एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपको बता दूँ जो भी आप डिटेल्स फिल करोगे उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों आपको जो है पेमेंट करना है, पेमेंट के ऊपर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आपके सामने का चार्ज हो गया, एडमिशन फॉर्म फीस एंड ₹45 सर्विस चार्ज होने वाला है जो कि ई मित्र क्रियोसक को कमीशन के रूप में दिए जाएंगे। आपको बता दूँ टोटल ₹245 आपको पे करने हैं, लेकिन आपको बता दूं ये ₹260 का आपका बिल बनने वाला ई मित्र पे। अब मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ₹245 का दिख जाता है। आपको प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो अप्रूवल हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हो गया है। इसके बाद में क्लिक टू कंप्लीट फॉर्म को आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड फॉर्म के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।